पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में 20 तारीख यानी आज के दिन एक बड़ी सुनवाई लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव पर हुई है। इस जो सुनवाई हुई है इसमें कई फैसले जो हैं वो दिए गए हैं, कई सुनवाई हुई है, अहम विषयों पर बातचीत हुआ है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा था। लालू के कई करीबियों को उठाकर सीबीआई ईडी पूछताछ कर रही थी। कई मामले खुलासे हुए, कई तरह की बातें आई और आज देखिए 20 तारीख का दिन दिया गया था और आज एक बड़ी सुनवाई हुई है लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में। बताएं आपको कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो गई है। लालू राबड़ी और तेजस्वी कोर्ट पे पेश नहीं हुए, उन्होंने कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की। इस मामले में अब 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। इधर डिप्टी सीएम ने कोर्ट से ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाज़त भी मांग ली है। सरकारी काम से डिप्टी सीएम को ऑस्ट्रेलिया जाना है। उनके पासपोर्ट रिलीज पर 22 दिसंबर को सुनवाई होगी। पिछले 2 तारीख से आरोपी की तरफ से चार्जशीट की स्क्रूटनी के लिए वक्त मांगा जा रहा था। 29 नवंबर को मामले की आखिरी सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान आरोपियों ने दस्तावेज के लिए कोर्ट से समय मांगा था। इसके पहले 2 नवंबर को हुई सुनवाई में आरोपियों की तरफ से चार्जशीट की स्क्रूटनी जो है वो करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई। मामले में आरोपियों की तरफ से पासपोर्ट अदालत में जमा कराया गया है। रेल में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी। चार्जशीट में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनके बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लैंड फॉर जॉब स्कैम जो मामला है वो अब कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है और इस मामले में आज 20 तारीख को एक सुनवाई हुई है राउज एवेन्यू कोर्ट में। लेकिन इस पेशी के दौरान ना तो तेजस्वी यादव उपस्थित रहे, ना लालू प्रसाद यादव उपस्थित रहे, ना राबड़ी देवी उपस्थित रही। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तेजस्वी यादव ने अर्जी दायर की है कि उनका पासपोर्ट रिलीज कराया जाए, उनको सरकारी काम से ऑस्ट्रेलिया जाना है, कई तरह की बातें कही गई हैं। साथ ही साथ सीबीआई की तरफ से पूरे दस्तावेज को लाने की भी बात कही गई है। जो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला जो था वो 18 मई 2022 को सीबीआई ने 16 नामजद समेत अन्य पर मामला दर्ज किया। 20 मई 2022 बिहार और दिल्ली के 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। 27 जुलाई को लालू यादव के करीबी भोला यादव को गिरफ्तार किया गया। 24 अगस्त 2022 राजद नेताओं के बिहार, दिल्ली, गुरुग्राम के 17 ठिकानों पर छापा भी मारा गया। 23 जनवरी 2023 को सीबीआई इस मामले में केस चलाने की मंजूरी मिली। 6 मार्च 2023 को सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम ने पटना में लालू राबड़ी देवी से पूछताछ की। 7 मार्च को लालू यादव से सीबीआई ने पूछताछ की थी। 10 मार्च को ईडी दिल्ली, बिहार और यूपी के 15 ठिकानों पर छापेमारी की। आपने वो भी तस्वीर देखी होगी जब 10 मार्च की अहले सुबह लालू राबड़ी आवास पर सीबीआई के अधिकारियों की गाड़ी अंदर गई, तब कितना ज़्यादा बवाल बिहार की राजधानी पटना के लालू राबड़ी आवास पर हुआ था। सारे राजद के नेता वहां पर इकट्ठा हो गए थे और 15 मार्च को लालू राबड़ी ने अपना कोर्ट में पक्ष रखा था। 16 मई 2023 को सीबीआई ने बिहार, दिल्ली, हरियाणा और नोएडा में 9 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। 10 सितंबर 2023 को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। अब इसके बाद आज एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं हुआ है। अगली सुनवाई 2 जनवरी में होनी है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाज़त उन्होंने मांगी है। सरकारी काम से डिप्टी सीएम को ऑस्ट्रेलिया जाना है। 2 जनवरी को एक बड़ा फैसला हो सकता है। इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त होते ही ईडी सीबीआई का जो मामला था लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले पर एक बड़ी सुनवाई आज समाप्त हुई है। 2 जनवरी को जो भी सुनवाई होगी उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।